हाजिर हैं प्रोग्राम पयामे अहले बैत के साथ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हो रही है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार के हवाले से हो रही है। और इस पिछले वक्फे से मैं जो मैंने बात अर्ज़ की आपकी खिदमत में वो थी मासूम के फरामीन के हवाले से, जिसमें बात यहाँ तक पहुँची थी कि इमाम ही का फरमान है कि हमें तकलीद करनी चाहिए उन फुकाहा की के जो मुहाफिजन ले दीन, जो दीन की हिफाजत करने वाले हैं, जो ख्वाहिश नफसानी के पैरवी करने वाले नहीं है, जो अपने मौला के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेके चलने वाले हैं। हमें उन फोकाहा की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और उन्हीं फोकाहा की तकलीद करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जो हमारे भाई का जो सवाल था उसकी भी साथ वजाहत उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि आपको चाहिए सबसे पहले कि आप किसी मुज्तहिद की तकलीद करें, फिर उसकी जब आप उनके रसाले का मुताला करेंगे, उनकी जो तौज़ी है उसका मुताला करेंगे, तो उसमें आपको सारे मसाइल का हल मिल जाएगा। इस हवाले से भी कि आपको क्या करना है, अगर तो आपके मर्जाए तकलीद जिनकी आप तकलीद कर रहे हैं वो इजाज़त देते हैं तो फिर आपको पढ़ने से कोई बंदा रोक नहीं सकता है, लेकिन आप किसी दूसरे को पढ़वा उसका हुक्म भी नहीं दे सकते कि आप कहें कि मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से करें। लेकिन अगर आपका मर्जाए तकलीद जिनकी तकलीद आप कर रहे हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं तो फिर हमारे यहाँ मानने का हुक्म है, कीड़े निकालने का हुक्म है ही नहीं है, तो फिर हमें उसी अपने मर्जाए तकलीद के हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए। बाकी अपने आमाल जो हैं उन्हें अल्लाह के रास्ते में छोड़ देना चाहिए कि परवरदिगार हमें तेरा जो हुक्म मिला जिस ज़रिए से मिला है वो ये ज़रिया था, हमने ये आमाल कर दिए हैं, अब तू जान, मुहम्मद वाले मुहम्मद अलैहिस्सलाम जाने और जिनकी तरफ उन्होंने मुतवज्जे किया है वो जाने। हमारा मकसद है मानने का। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अज़मत और उनकी विलायत के इकरार के बग़ैर तो ना कोई शिया है। और मैं इसकी वजाहत में अगर चला गया तो बात किसी और तरफ चली जाएगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही की ज़ात अक़दस वो ज़ात है कि जिसके बारे में पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अली ला युहिब्बु का इल्ला ताहिरुल विलादा, ए अली तुझसे मोहब्बत वही करेगा कि जो इंसान की जो है वो पाको पकीज़ा पैदा हुआ है, जिसकी विलादत में तहारत है, और तुझसे बुग्ज़ वो रखेगा कि जिसकी विलादत में नजासत है। तो ये तो एक इंसान के अपने शजरे नस्ब की पकीज़गी के लिए भी विलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दम भरना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आप इस बात की तरफ तवज्जो फरमाएं कि जो मराजाए उज़ाम जिनकी आप तकलीद कर रहे हैं, जो वो हुक्म दे रहे हैं उसी किताबें अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। बात हो रही है जो मासूम के फरामीन हैं उनके हवाले से, एक फरमान और आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा और इसमें बहुत बड़ा पैगाम भी है हमारे नाज़रीन के लिए। और जो जिन भाई ने सवाल किया था उनके साथ जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अपनी मर्ज़ी को बतलाते हैं बजाय इसके कि वो फ़िक़ की किताबों की तरफ मुतवज्जे हूँ, वो फुकाहा की तरफ मुतवज्जे हूँ, शायद उनको भी इसमें जवाब जो है वो भी मिल जाए। मासूम फरमाते हैं सायाति ज़मानुन अलन्नास वजूहुहुम ज़ाहिका तुन मुस्तबशिरा। मासूम फरमाते हैं कि अन करीब एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि जिस ज़माने में लोगों के चेहरे जो हैं वो बड़े हशाश बशाश होंगे, बड़े खुश चेहरों से वो नज़र आएंगे, पूरे चहकते पूरे चमकते चेहरे जो हैं वो इंसानों के नज़र आएंगे। मासूम, ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है। आगे मासूम फरमाते हैं वक़ुलूबुहुम मुज़लिमा, चेहरे पे बड़ा उनकी खुशी आपको नज़र आएगी, जब मिलते हैं तो पता चलता है कि
सुभान अल्लाह, इससे बड़ा कोई खुश बंदा है ही नहीं, इतनी चेहरे पे खुशी का इजहार लिए फिरते हैं। मासूम फरमाते हैं कि वो लोग के जो उस ज़माने में होंगे, जिनके चेहरे इतने खुश होंगे, उनके दिल अंधेरे होंगे, उनके दिल तारीख होंगे, वो अंदर से दिल से वो इन लोग काले हो चुके होंगे। जाहिरन उनका जाहिर कुछ होगा, बातिन उनका कुछ होगा। मासूम फरमाते हैं कि सिर्फ वो तारीख उनका दिल नहीं होगा, बल्कि उनका दिल टेढ़े भी होंगे। यानी ऐसे लोग के जिनके दिल टेढ़े हो चुके होंगे, जिनके दिल जो है वो स्याह हो चुके होंगे, लेकिन उनके चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट होगी, चेहरों पे बड़ी खुशी का इजहार वो कर रहे होंगे। और मासूम फरमाते आगे, अल सुन्ना तो फीहिम बेदा, और उनकी हालत ये होगी कि जो सुन्नत मासूम है, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको वो बिदअत करार देंगे, वो अपनी जात से ऐसे फतावे जारी करते जाएंगे, वो इस अपने आप को इतना बड़ा फकीर जो है वो आलिम समझना शुरू कर देंगे कि अपनी मर्जी से सारे मामलात करेंगे, कि जो मासूम की सुन्नत थी, जो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक थी, वो उसको बिदअत करार दे देंगे। आज भी ऐसे मामलात हो रहे हैं, ऐसी मुश्किलात इस वक्त भी मौजूद हैं कि जो दुआएं मासूम की जो है वो पेश की जाती है, तो कहा जाता है कि उनको रोने की क्या जरूरत है, ये दुआएं उनके साथ उनकी है ही नहीं, इनकार कर दिया जाता है। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो है जिनकी तरफ मुतवज्जे उन्होंने किया, जो सुन्नत पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले पाक पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसको बयान किया जाता, जब उनको पेश किया जाता, तो कहा जाता है कि इसका उनके साथ क्या ताल्लुक है, वो तो हस्तियां ही बड़ी और किस्म की थी, उन्हें क्या जरूरत है कि वो इस तरह से अपनी सुन्नत को पेश करें। यानी जो सुन्नत थी उनकी, उसको बिदअत करार दिया जाता है। वल बिदअतु फीहिम सुन्ना, और वो अपने आप को इतने बड़े पढ़े लिखे हजरात समझते हैं और अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि जितनी बिदअत उन्होंने खुद पैदा की है, उनको वो सुन्नत करार देते हैं। इस जहालत पे कैसी कैसी बातें अर्ज की जाएं, और कौन कौन सी मिसालें जो हैं वो मैं यहां पे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें, हल्के अहबाब को अगर देखें, तो हमें अपने इर्द गिर्द रहने वालों में भी ये बिदअतें जो थी वो सुन्नतें बनी हुई नजर आती हैं। यानी अपनी मर्जी से जो चीज है उसको बनाया और बना के फिर उसको दीन में घुसा दिया और फिर उसको सुन्नत करार दे दिया। बड़ी अजीब और गरीब बातें ऐसी मौजूद हैं कि जो इस वक्त मुआशरे में पाई जाती हैं, और खुसूस बिलखुसूस हमारे इर्द गिर्द में भी ये ऐसी चीजें पाई जाती हैं। उनको छोड़ा क्यों नहीं जाता, ये नहीं कहा जाता कि मासूम ने किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारा है, मासूम की अपनी लाइफ किस तरह से गुजरी है। नहीं, हमारा बाप भी ये काम करता था, हमारे दादा ने ये काम शुरू किया था, हमारे परदादा ने ये काम शुरू किया था। यानी हम अहमियत दादा परदादा को दे रहे हैं, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जो सीरत व किरदार है, जो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत व किरदार है, उसकी तरफ तवज्जो करने की कोशिश नहीं करते। आगे मासूम फरमाते, अल मोमिनो बैनहुम, अल्लाहु अकबर, जो मासूम ने मोमिन की हालत को बयान किया है, ऐसे लोगों में कि जिनके नजदीक सुन्नत मासूम जो थी वो बिदअत बन गई, जो उनकी अपनी बिदअत थी उसे उन्होंने सुन्नत करार दिया। मासूम फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनके नजदीक मोमिन जो है उसको हकारत की नजर से देखा जाता है। जो साहिब ईमान है, जो इंसान को दीन की तरफ मुतवज्जे करता है, जो मोमिन है, उसे कहते हैं कि ये तो छोड़ो इसको, इसकी कौन सुनता है, इसकी क्या हैसियत तो अहमियत है, छोड़ो इसको,
यानी उसको हकारत की नजर से, उसको इस तरह से जलीलो रुस्वा मुआशरे में किया जाता है कि क्या कहा जाए, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे कभी भी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मुआशरा मेरे साथ इस तरह कर रहा है तो मैं अपनी डगर को चेंज कर लूं, मैं अपने नजरिए को चेंज कर लूं, मैं अपने तौर तरीके को चेंज कर लूं और मैं जिस तरह ये चाहते हैं उस तरह से डाल के मैं आगे चलूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोमिन कहते ही उसे हैं कि जो पुख्ता ईमान रखता हो, जिसका ईमान मोहकम हो, जिसके ईमान में तजलजुल न पाया जाए, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि उसके कदम जो है वो लड़खड़ाते हुए नजर आए। मोमिन चिटान की तरह होता है और इसीलिए फरमाया कि मोमिन की तकरीम जो है वो किबला से भी ज्यादा है। ऐसे नहीं मासूम ने इन तमाम चीजों की तरफ हमें मुतवज्जे किया, क्योंकि वो इतना पुख्ता ईमान के साथ मौजूद है कि कोई चीज उसको एक चट्टान की तरह वो हो चुका है कि जो अपने परवरदिगार की मारिफत अहकाम इलाहिया से, जो उसने हुक्म परवरदिगार जो जो भी उसको मिला है उससे हट के वो कोई अमल नहीं करता, वो यही चाहता है, वही अमल करता है कि जिसमें उसका परवरदिगार उससे राजी हो जाता है, जिसमें उसका परवरदिगार उससे राजी रहे। वो अपने खुदा की रिजा के लिए सारे मामलात करने की कोशिश करता है, वो बंदों को खुश करने की कोशिश नहीं करता, वो चाहता ये है कि उसका रब उससे राजी रहे। आगे मासूम फरमाते हैं कि मोमिन की हालत ये है कि उन लोगों में उसे हकारत की नजर से देखा जाता है, और जो वल फासी को बैना हम, और जो एक फिस्को फजूर करने वाला है, जो दीन को तबाह बर्बाद करने वाला है, जिसने अपनी सोच को दीन बना दिया है, जिसने अपनी ख्वाहिश को दीन बना दिया है, जिसने अपनी जाती एक्टिविटीज को दीन बना दिया है, और जो वो सोचता है उसे दीन बना के दुनिया में लोगों के सामने उसे बेचना शुरू कर देता है, मासूम फरमाते हैं वो इन जैसे लोगों में बावकार होता है, उसे इज्जत की नकाब से देखा जाता है, उसे तकरीम दी जाती है। आप भी आज आप देख लीजिए मुआशरे में क्या हो रहा है, क्या मासूम के इस फरमान को सच होता हुआ हम नहीं देख रहे? यकीनन सच्चे इमाम का सच्चा कौल है। तो ऐसे हालात हमें अपने इर्द गिर्द में भी नजर आते हैं कि जहां पे एक ईमान जो मोमिन है उसको हकारत की नजर से देखा जा रहा होता है, और एक फिस्को फजूर करने वाला जो है उसको इतनी इज्जत और तकरीम, पैसा भी दिया जाता है, इज्जत भी दी जाती है, उनको बड़ा बड़ा उनकी खिदमत की जाती है, इसलिए कि उसने काम इतना अच्छा किया है कि उसने जो दीन था, जो शरीयत थी, जो सीरत थी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की दी हुई, उसको तोड़ फोड़ दिया है। वो हमारी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, वो हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है, और हम जिस बात से खुश हो रहे हैं वो अपनी दुकान में वही माल सजाए हुए है कि जो हमारी खुशी के मुताबिक है, हमें चूंकि वो बेच रहा है हमारी रिजा का रिजा वाला वो माल है, हम सारा उसका खरीद रहे हैं और बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन इस बात की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे कि हमारे इमाम ने हमें किस बात की तरफ मुतवज्जे किया है। इमाम की विलादत का, उनके जश्न मनाने का मकसद हर किसी फकत ये नहीं है कि हम सिर्फ खुश हो जाएं, उनकी खुशी का मतलब ही ये है कि जो उनका किरदार है, जो उनकी सीरत है, जो उनके अकवाल हैं, उसके मुताबिक जब हम अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे तो यकीनन हमारे इमाम आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो है वो हमसे खुश होंगे। लेकिन अगर किरदार कुछ और हो, गुफ्तार कुछ और हो, जाहिर कुछ हो, बातिन में कुछ हो, तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि हमारे साथ अगले जहान में क्या होने वाला है। आगे मासूम ने जो फरमाया, मासूम फरमाते हैं कि ये ऐसा दौर होगा कि जिसमें उनके उलमा जालिमों के दरबार में खड़े होंगे। आज अगर कोई आलिम
हक की बात कह देता है तो मुआशरा उसे इतना परेशान कर देता है, मुआशरा इस तरह उसको हकारत की नजर से देखता है और इस तरह से उसकी तोहीन की जाती है कि जिसको मैं यहां पे बयान नहीं कर सकता। लेकिन मासूम का कौल तो सच्चा होता हुआ नजर आता है। यह नहीं है कि मासूम का कौल जो है वो तो बिल्कुल प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड सारी चीजें जो है वो सारी की सारी सामने आती है। और मैं जब मदरसे में पढ़ता था तो वहां पे मैंने ये मासूम का फरमान पढ़ा था और उस पे आज तक कोशिश की है कि अमल किया जाए। मासूम ने फरमाया था कि जब उलमा उमरा के दरवाजों पे देखो तो समझ लो कि दीन खतरे में है। इंसान अमीर जो है वो खरीदना चाहता है, वो माल दे के अपनी ख्वाहिश को दीन में शामिल करना चाहता है, वो माल देकर अपनी सोच और फिक्र को लोगों तक पहुंचाना चाहता है और उसी को दीन करार दिलवाना चाहता है। मासूम फरमाते हैं कि उलमा का उन जालिमों के दरवाजों पे आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन की शक्ल को बिगाड़ दिया है। आगे मासूम फरमाते हैं और उनके फरमा रवा यानी वो जो हुक्मरान है, ये जो मालदार हैं, ये जो उमारा हैं, फरमाया जाहिलो सितमगर होंगे। एक तो जहालत कूट कूट के भरी होगी उनमें और दूसरे वो जालिम होंगे। अपने जुल्म की वजह से वो सारी की सारी चीजें जो है उनको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, लोगों को मनवाने की कोशिश करेंगे, लोगों पे उसको थोपने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि उनके पास माल है, इसलिए कि उनके पास दौलत है, इसलिए कि उनके पास एक ताकत है। लेकिन मासूम ने इन तमाम चीजों की तरफ मुतवज्जे करके फरमाया कि ये लोग कि जो इस तरह से जिंदगी को गुजार रहे हैं ये हमारी नजर में जाहिल और जालिम है। तो जिसे मासूम जालिम और जाहिल कह दे, जिसे इमाम जो है वो जाहिल और जालिम कह दे, फिर उसे सोचना नहीं चाहिए कि मेरी सोच इमाम के फरमान के मुताबिक है या मेरी सोच किसी और के हुक्म के ताबे चल रही है। इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मन वाअज़ा अहाहु सिर्रन, कि वो इंसान के जिसने अपने किसी भाई को पोशीदा तौर से नसीहत की है, उसने उसको रास्ता दिया है ताकि वो उस हदायत के रास्ते पे चले। जिस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा है उसे उस रास्ते को अपनाना चाहिए। ये लड़ाई, ये झगड़े और अपनी बात को मनवाने के लिए इंसान को मुख्तलिफ तरीके जो आजमाने पड़ते हैं, उसकी रीजन फकत और फकत ये होता है कि इंसान के अंदर सब्र नहीं है, इंसान के अंदर इल्म नहीं है, इंसान के अंदर जो है वो यकीन की मंजिल जो है उस पर भी वो अभी फायज नहीं हुआ है। इसलिए कि जब इंसान इल्म हासिल करता है तो इल्म, हिल्म, अखलाक, सब्र, इन तमाम चीजों को इंसान के अंदर लेके आता है। मासूम फरमाते हैं तो वो उसने उसको रास्ता दिया है, उसने उसको आरास्ता किया है और जिसने ऐलानिया नसीहत की उसने उसको बिगाड़, यानी खड़े बंदे को ये कह देना कि तू इस तरह से क्यों कर रहा है, तू तुझ में फुला नक्श है, तुझ में फुला नक्श है, तुझ में फुला। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जात मुकद्दस को भी खालिक कायनात जब अपने रास्ते की तरफ बुलवाने के लिए लोगों की तरफ कहता है कि तुमने इनको बुला के मेरे रास्ते की तरफ मुतवज्जे करना है, तो वहां पर भी ये नहीं कहा कि तुम इस तरह से अंदाज अपनाओ, बल्कि खालिक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना,
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، فرمایا کہ بلا میرے راستے کی طرف لیکن حکمت کے ساتھ، بہترین واعظ کے ساتھ، اور اگر مجادلہ کرنا پڑ جائے، لوگ بحث و تکرار میں پڑ جائیں، لوگ آگے سے بات کو نہ ماننے لگے، تو پھر بھی تیرا طریقہ کار احسن ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کا انداز خوبصورت ہوگا، جب آپ کا پیغام خوبصورتی کے ساتھ پہنچے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جو انسان آپ کے بارے میں ایک سخت لہجہ اختیار کر چکا ہے، ایک اپنے ذہن کو بنا چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن تبدیل ہو جائے، اور وہ جو مخالفت کرنے والا ہے، جو اس طرح سے تمہیں پریشان کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارا بہترین ایک ساتھی کا بن جائے۔ اور معصوم نے بھی اس بات سے ہمیں روکا ہے، اور معصوم نے ایک اور بات، معصوم کے فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور حکیم کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ احمق ہمیشہ جو منہ میں آتا ہے اسے بول دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے، مجھے یہ بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے۔ پنجابی میں بھی اس کی یہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ لڑائی جھگڑے سے معصوم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جنگ و جدال نہ کرو ورنہ تمہاری عزت و آبرو ختم ہو جائے گی، یا ہر وقت کی لڑائی جھگڑا انسان کی عزت و آبرو کو کھو دیتا ہے، اور مذاق و شوخی نہ کرو ورنہ لوگوں کی جرت تم پہ بڑھ جائے گی۔ یعنی انسان کو ایک معیار پہ رہنا چاہیے، ایک مقام پہ رہنا چاہیے، جو منصب اس کے پاس ہے اس منصب کے مطابق، تاکہ نہ لوگ اس پہ چڑھائی کر جائیں، جرت کر جائیں کہ اس کی عزت کو اچھال دیں، اور نہ وہ کسی کی عزت کو اچھالتا ہوا نظر آئے۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو تھا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تھا۔ میں ساری باتیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں عرض کر سکا، اور امام کی سیرت کے اور بڑے سارے پہلو تھے جن پہ گفتگو کرنا تھی، لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔